नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आयुष्मान योजना के 6 साल हुए पूरे। भोपाल के कार्डियो अस्पताल में आयुष्मान पखवाड़ा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हुए शामिल। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल बने सांसद प्रतिनिधि। सांसद प्रतिनिधि बनते ही हरदा में गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री पर कसा तंज। हरदा में दीदी कैफे का किया गया विधिवत शुभारंभ। राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने किया उद्घाटन। एक पेड़ मां के नाम के तहत किया वृक्षारोपण। नरसिंहगढ़ में 4 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन। पंडित जगदीश शास्त्री कर रहे कथा का आयोजन। भगवान कृष्ण जन्म का मनाया गया उत्सव। और रायसेन में अंतर्राष्ट्रीय चौर गिरोह का पर्दाफाश। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आयुष्मान योजना के 6 साल पूरे हो गए और इस मौके पर भोपाल के काटजू अस्पताल में आयुष्मान पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयुष्मान पखवाड़े का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, विधायक भगवान दास सबनानी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि पूरे देश में इस योजना की तारीफ हो रही है और उन्होंने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहां पर जितने डकैत और ग्रैंगस्टर पूरी तरह से जो है क्राइम होता था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसके बावजूद भी घटनाएं होती हैं, उनमें भी हम सख्त कार्रवाई करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने गरीब परिवार को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान योजना प्रारंभ की थी, जिसको आज 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं। साथ में ही 70 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी नागरिक हैं उनको भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाए हैं। तो हमारे जो वृद्ध नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आज उसकी 6वीं वर्षगांठ हम सबने मनाई है, तो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना बहुत सुचारू रूप से चल रही है। 6वां वर्ष आरंभ हो रहा है, 5 वर्ष पूरे हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकाध मानव दर्शन से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। सरकारों में, चाहे राज्य सरकार में रहे चाहे केंद्र सरकार में, हमारा मूल उद्देश्य रहता है कैसे गरीब कल्याण के कार्यक्रम लागू करें, गरीब को उसकी आंख के आंसू पोंछ सकें। तो इसी दिशा में आयुष्मान भारत एक विजनरी लीडर की क्रांतिकारी योजना है, इसलिए माननीय मोदी जी को धन्यवाद। और अब तो केवल उतना नहीं, तो 70 वर्ष से ज्यादा आयु के किसी भी वर्ग के लोग हों उनको सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो इसमें एक बड़ा लाभ हरेक वर्ग को मिलने वाला है। मैं मानता हूं कि इससे जो आयुष्मान इस देश को निरामय बनाने का जो कदम है उसको बड़ी सफलता मिलेगी। और मैं माननीय मोदी जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। देश के नागरिकों का किस तरह इलाज हुआ है, पूरे देश में इस योजना को लेकर तारीफ हो रही है। आज 6 वर्ष पूरा होने पर आयुष्मान दिवस के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। एक और जो हमारे 55 करोड़ से ज्यादा हितग्राही पूरे देश में है, 4 करोड़ से ज्यादा हितग्राही जो हमारे मध्य प्रदेश में है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 22 लाख लोगों ने 45 लाख बार जो अपनी इलाज की सुविधा को प्राप्त किया है। लोगों में इस योजना को प्रति लेके काफी भरोसा बढ़ा है। उसके साथ ही 70 वर्ष से ज्यादा के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी इस योजना में शामिल करने का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने लिया है उसको आज हम लोग एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और आयुष्मान दिवस योजना इसी प्रकार से गरीब परिवार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध हो सके, बीमारी में दूसरों के सामने उनको हाथ ना फैलाना पड़े, इस योजना ने वास्तव में एक स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। और वही हरदा से 5 बार के विधायक और राजशिवराज सरकार में 3 बार के मंत्री रहे कमल पटेल आज सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति गरमा गई है। जहां पूर्व मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मैं संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री हूं, पहले प्रधान सेवक हूं। भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं, काम बड़ा होता है। मैं राजनीति में सेवा करने आया हूं और सेवा ही करूंगा। मैं जब मंत्री था तब भी मैंने संकल्प लिया था कि हरदा को हर क्षेत्र में नंबर वन बनाना है, जिसके लिए बहुत काम करना है और हम काम करेंगे। हमारे सांसद को मंत्री पद का दायित्व मिला है और वे देश भर में भ्रमण करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में मैं हरदा में सांसद जी का प्रतिनिधित्व करूंगा। और वही कांग्रेस के जिला प्रवक्ता आदित्य गरगांव ने पूर्व कृषि मंत्री कलम पटेल के सांसद प्रतिनिधि बनने पर तंज कसते हुए कहा कि आप हरदा से 5 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे, तब अपने विकास नहीं किया। आपसे त्रस्त होकर जनता ने आपको हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा, मैं संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री हूं लेकिन मैं प्रधान सेवक हूं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब मोदी जी ने हाथ में झाड़ू ली, स्वच्छता की बात की, तो कांग्रेस ने, विपक्ष ने और कई मीडिया ने भी बड़ी आपत्ति ली थी कि ये छोटी सी बात, प्रधानमंत्री दिलाल दिल्ली की, जो छोटी बात नहीं, स्वच्छता सबसे बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित हुआ है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और हरदा जिले का सर्वांगीण विकास करना, हरदा जिले को नंबर एक बनाना मेरा सपना था और मैं विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में भी काम किया है। आज हमारे सांसद केंद्र में मंत्री हैं, वो व्यस्त रहेंगे, पूरे देश में घूमेंगे, तो उनकी अनुपस्थिति में उनका सांसद का दायित्व प्रतिनिधि के रूप में मैं करूंगा। इसलिए आज बैठक में भी आया हूँ। कलेक्ट्रेट जिला नगर पालिका की बैठक को
एसएफपी इंजीनियरिंग के प्रशिक्षणार्थियों को डिप्लोमा दिया गया। जानकारी के अनुसार संस्था के ऑफिसर राजकमल जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि अमरवाड़ा नगर की रोजगार मुख्य संस्थान अंबुजा फाउंडेशन कौशल और उद्यमिता विकास संस्थान में एक वर्षीय पाठ्यक्रम फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया गया है था और प्रशिक्षण के बाद सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को डिप्लोमा दिया गया और इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर अमरवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी हेमकरण धुर्वे, अंबुजा फाउंडेशन वर्टिकल हेड महेंद्र पटेल, सीनियर रीजनल मैनेजर हिमाद्री चट्टोपाध्याय आदि कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि ऐसे संस्थान से आज के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। जहां देश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता जोड़ने में कड़ी मेहनत कर रही है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सदस्य जोड़ने में लगा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत सारंगपुर युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में नए सदस्य जोड़ने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा सारंगपुर द्वारा सारंगपुर विधानसभा में लगातार ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़े जा रहे हैं। सारंगपुर विधानसभा में आने वाली सभी जनपद पंचायतों के दौरे के दौरान राज्य मंत्री गौतम टेटावाल ने के बड़े पुत्र सह विधायक प्रतिनिधि पृथ्वीराज मोंटी टेटवाल और युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल पुष्पत की अध्यक्षता में विधानसभा में रोजाना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए जा रहे हैं। दतिया जिले के थरेड थाना अंतर्गत ग्राम मचारा में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों पर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पक्ष के संतोष केवट, देवेंद्र केवट, पार्वती केवट ने सोमवार दतिया एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया, जिसमें पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंगों ने जो है उनके द्वारा बेदर्दी से पिटाई मारपीट की गई है और इसी के साथ साथ पीड़ितों ने थरेड पुलिस पर पक्षपात के आरोप भी लगाए हैं। कहा है कि पुलिस द्वारा हम सभी को चार घंटे थाने में बैठने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है, दबंग लोग राजीनामा करने के लिए धमका रहे हैं। पीड़ितों ने एसपी से गुहार लगाई है कि उचित न्याय दिलाने की कृपा करें। और वहीं भोपाल मध्य प्रदेश के समस्त सरपंच, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने अधिकारों को लेकर भोपाल में आयोजित पूर्व आंदोलन 23 जुलाई 2024 को आंदोलन किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरपंचों की जनहित मांगों पर कोई आदेश निराकरण नहीं किया गया। राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर तोमर ने बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम से देना है, जिसमें रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव द्वारा डाक के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसकी रसीद सचिव से प्राप्त करें, उसकी कॉपी व्हाट्सएप पर राजक्षेत्रीय जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी राष्ट्रीय सरपंच संघ पदाधिकारियों को भेजें, ज्ञापन की कॉपी पर ग्राम पंचायत सचिव की सील एवं हस्ताक्षर सहित प्राप्ति लें। समस्त मांगों का अगर त्वरित निराकरण नहीं होता है तो 18 अक्टूबर को गांव के मुख्य मार्गों पर ग्रामवासियों के साथ दोपहर 12 से 2 बजे तक शांतिपूर्ण धरना एवं चक्का जाम करना है। तो देखिए, राष्ट्रपति को लिए इसके ज्ञापन भेज दिया गया और इसी के साथ साथ धरना प्रदर्शन के लिए भी बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर राममोहन बड़ोदिया के ग्राम दुधाना से पनवाड़ी की ओर से जा रही मिनी स्कूल बस के वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार युवक को टक्कर मार दिया और बच्चों से भरी मिनी स्कूल बस को पास कर खेत में उतार दिया। इस दौरान बस में 35 से 40 बच्चे सवार थे, जिनमें से 3 से 4 बच्चों को मामूली चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। वहीं बाइक पर सवार कुल 3 लोगों में से एक की मौत हो गई है, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए किया जा रहा है। और वहीं ग्राम दुधाना के सरपंच राकेश जायसवाल ने बताया कि घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर ग्रामीणों की मदद से स्कूली बच्चों को बाहर निकाला गया। सूचना पर राममोहन बड़ोदिया थाने से थाना प्रभारी भरत सिंह किरार पुलिस बल के साथ पहुंचे और जांच करते हुए स्कूली वाहन के मालिक और चालक पर मामला दर्ज कर लिया है। सेंट मेरिज स्कूल की गाड़ी थी, उसमें सभी छात्र छात्रा थे। एक बाइक सवार आया, बाइक सवार को लापरवाही पूर्वक स्कूल बस के ड्राइवर ने उनको टक्कर दी। वो 3 ही घायल स्थिति में है और हमने बच्चों को गाड़ी के कांच फोड़ के निकाले और बच्चों को तो कोई ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन जो बाइक सवार थे वो तीनों सीरियस अवस्था में उनको रेफर किया गया।
और वहीं अंतर्राज्यीय सिकरी गर्रा चोर गिरोह ने 4 रातों में 4 जिलों में 9 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। जिले में चोरी की घटनाएं होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और सिकरी गर्रा चोर गिरोह के 5 सदस्यों में से महाराष्ट्र निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इसमें से चोरी का 2 तोला सोना, 1 बाइक और 1 वेन्यू कार बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 12 लाख बताई जा रही है, 40,000 रुपए बताई जा रही है। और ये तीनों आरोपी महाराष्ट्र के सोरापारा और अक्कलुआ कुआं जिला नंदुआ निवासी देवी सिंह, धर्मेंद्र सिंह और तीसरी आरोपी धनराज सिकली गर है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के आरोपी दिलीप सिंह और अनिल सिंह फरार चल रहे हैं। थाना बरेली में चोरी की 2-3 घटनाएं हुई थी दोनों शहरों में। जो चोरों की मोडस ऑपरेंडी थी, काम करने का तरीका था, उसके आधार पर दोनों में सिमिलरिटी पाई गई। दोनों जगह मोटरसाइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान वहीं चुरा करके फिर छोड़ दी गई घटना करके, फिर एक और मोटरसाइकिल उठा के दूसरे घटना स्थल पर छोड़ दी गई। इसको चैलेंज के रूप में लिया गया पुलिस द्वारा, और जो टीम बनाई गई जो SDOP बरेली और TI बरेली और उनके साथ में जो टीम थी, उन्होंने अच्छी मेहनत की। जो डिजिटल साक्ष्य थे हमारे पास में, जो हमने अलग अलग जगह की रिकॉर्डिंग देखी, उससे हमको एक पैटर्न जो समझ में आया कि इनके द्वारा 4-व्हीलर का जो है उपयोग किया जाना संभव है, उसके आधार पर एक 4-व्हीलर ट्रेस हुई जिसको पता किया गया। और अक्कल कुआं जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। उनके पास से गाड़ी बरामद हुई है, चोरी गई संपत्ति का कुछ हिस्सा बरामद हुआ है और अभी 2 आरोपी और फरार हैं। इनके द्वारा ये जो अंतर्राज्यीय चोर गिरोह है, इसके द्वारा न सिर्फ रायसेन जिले में बल्कि अन्य जिलों में भी चोरी की घटना। और खबर मोहन बड़ोदिया से है, जहां पर शाजापुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SDOP के नेतृत्व में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और अपराधियों पर कार्रवाई करने के संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में मोहन बड़ोदिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने 14 सितम्बर को चोरी हुई बाइक मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अनूपपुर अबलाई सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस रिसाव के बाद यहां सोडा फैक्ट्री के आसपास के आबादी क्षेत्र में निवासरत लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सब बातों से दूर पीड़ितों की मदद से पलड़ा झाड़ते हुए सोडा फैक्ट्री प्रबंधन ने अपने जर्जर हो चले प्लांट की कमी छिपाने के फिराक में अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया है। यदि प्रबंधन की माने तो गैस रिसाव वाले स्थान को मैनुअल बताते हुए बाकी पूरे प्लांट को ऑटोमैटिक बताया जा रहा है। और अब प्रश्न उठ रहे हैं कि यदि पूरा प्लांट ऑटोमैटिक है तो सिर्फ गैस लीकेज वाला स्थान मैनुअल कैसे हो सकता है। वहीं पूरे मामले में रफा दफा करने के लिए प्रबंधन ने अपने सुरक्षा अधिकार रवि शर्मा को आगे कर मैनेजमेंट को जिम्मा सौंपा है, जो कि CO, CM, GM और अन्य कई प्रभार को अकेले ही संभालते हैं। इतना गंभीर हादसा हो जाने पर भी प्रबंधन का सामने आकर मामले का जायजा नहीं लेना कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अनूपपुर कलेक्टर ने सोडा फैक्ट्री का दौरा किया और जांच पड़ताल की और सोडा फैक्ट्री प्रबंधन से मिलकर लापरवाही पूर्वक लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदार लोगों पर जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। जिम्मेदार हम फैक्ट्री के मैनेजमेंट को जानते हैं, क्योंकि इनका पूर मैनेजमेंट है, पूरी तरीके से लापरवाही है। क्योंकि इनको एक दो बार हम लोग पहले भी पिछली बोल चुके हैं कि जो आप लोग का ये पॉल्यूशन आप लोग फैला रहे हैं, चाहे पानी को लेके हो, चाहे डस्ट को लेके हो, और ये गैस को लेके तो हमेशा होते रहता है। मतलब ये थोड़ा बहुत ही हवा में मौजूद रहती है, और इसके पहले भी आज से 8-10 साल पहले भी इससे बड़ा केस हो चुका है। एक बात और पता चली है कि जिस समय पीड़ित लोगों को दिक्कत होने लगी शिकायत से क्लोरीन गैस की, तो उस समय जो है तो जिला प्रशासन के द्वारा सहयोग किया गया, सोडा फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा कुछ सहयोग नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं। उनकी तरफ से जब यहाँ का उनका जो हॉस्पिटल है करके, तो वहाँ पे जब लोगों को भेजा गया, वहाँ पे कोई भी जिम्मेदार पर्सन, कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं था। जब यहाँ से हमने कलेक्टर सर को SDM बताया, तो वहाँ से एम्बुलेंस आके लोगों को जिला चिकित्सालय नहीं जाए। मतलब जिला प्रशासन ने सहयोग किया, सोडा फैक्ट्री की तरफ से किस तरह कोई सहयोग हमें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ।
और अलार्म जो सचेत लोगों को सचेत करने के लिए बजाया जाता है। यहाँ पे एक चीज सिस्टम ये है कि जब भी कोई इस टाइप की, वैसे तो टाइम टू टाइम अलार्म बजता है, बट यदि कोई इस टाइप की घटना होती है तो वो लोग सायरन बजाते हैं ताकि लोग इससे सचेत होकर वो लोग अपने अपनी फैसिलिटी के अनुसार चले जाते हैं। और इसके पहले हम तो देखिए कर्मचारी हैं, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, हमारे ऑफिसर हम नहीं आए हैं, हमारे ऑफिसर लोग आवश्यकता पर आते हैं। एनओसी 10 तारीख को जारी की गई थी, नहीं तो वो हमारे मुकेश श्रीवास्तव ही बता सकते हैं, वही बता पाएंगे जी, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता। आप किस पद पे? केमिस्ट हैं, लैब का काम करते हैं, मशीनें लगाते हैं। क्या नाम सर आपका? एनालिसिस करते हैं, अशोक कुमार शर्मा। शर्मा जी आप मेरे को ये बताइए, जो गैस रिसाव हुआ है कितने पीपीएफ में हुई होगी? आप बोल रहे हैं कि अभी आपने बोला ना कि आप केमिस्ट हैं, आप लैब टेक्नीशियन हैं, तो आप बता सकते हैं कि कितने पीपीएफ? नहीं, अब उसके बारे में नहीं, उसके बारे में हम यहाँ घटना है, लगभग 12 से 15 लोगों को रिफर करने की आवश्यकता पड़ी थी, उन लोगों को रिफर करके मैंने स्वयं वहां पर इंस्पेक्शन किया है हॉस्पिटल का, और सभी लोग सुरक्षित है, सेफ है। थोड़ा इनहेलेशन इन्होंने जो क्लोरीन गैस का किया है, जिसके कारण सिर दर्द होना, गले में थोड़ा सा बर्निंग होना, इस टाइप के सिम्टम्स थे, लेकिन अभी सभी लोग सामान्य हैं। यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं प्लांट में, उसकी जाँच की जा रही है, और जो भी सेफ्टी मेजर्स है, जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करने के लिए हम यहाँ पर पूरी रिकमेंडेशंस देंगे, और ये भी ट्राई करेंगे कि उन रिकमेंडेशन को हम समय समय पर समीक्षा करके सेफ्टी के विषय में जो भी इम्प्रूवमेंट करना किया जा सकता है उसको हम अवश्य रूप से करेंगे। साथ ही यहाँ की जो जनता है, इस नगर परिषद के जो लोग हैं, उनको भी सेफ्टी के बारे में मॉक ड्रिल की जाएगी, उनको अलग अलग इक्विपमेंट, जो रिसाव अगर होता है तो उस रिसाव की स्थिति में क्या सुरक्षा उन्हें स्वयं अपनी करनी होगी, उसके इक्विपमेंट्स भी हम देने का प्रयास करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, उसमें जो भी लोग इस कार्य को देख रहे हैं, उनकी सतत मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। कुछ कमियां तो हैं प्रबंधन की, ऐसा नहीं है, और उसमें सुधार के लिए कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है कि उनमें सुधार किया जाए, पर इतनी ज़्यादा भी परेशानी नहीं थी कि इतना बड़ा माहौल खड़ा हो सके। दो चार पाँच दस लोगों को है, नुकसान हुआ है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको प्रबंधन के द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाए। साथ में ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है और यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन जो गैप है उसको ख़त्म कराया जाए, और साथ में गैस से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं उन उपायों के लिए कैंप अलग से लगाए जाएँ। प्रबंधन की लापरवाही, क्योंकि गैस का रिसाव हो जाना, और प्रबंधन एक्चुअली में प्रबंधन की है तो लापरवाही है, लेकिन जो शिफ्ट इंचार्ज है मेन, जिनके अंदर में वो क्लोरीन का प्लांट था, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। बाकी प्रबंधन ने आनन फानन में पूरी व्यवस्था की, जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिला प्रशासन, हमारी चचाई पुलिस और SP साहब, कलेक्टर साहब, सब ने संज्ञान लिया तत्काल में, और पूरे एम्बुलेंस की व्यवस्था की, साथ में ओरिएंट पेपर मिल और कास्टिक सोडा यूनिट की भी व्यवस्था अच्छी रही, तत्काल में हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल भिजवाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।